अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज है तीसरी सहरी, तीसरा रमज़ान, तो सभी को तीसरी सहरी मुबारक हो और तीसरा रमज़ान भी। तो गाइस अभी सुबह सुबह उठ गए हम लोग, मतलब भोर में उठ गए और ब्रश वगैरह कर लिया तो और चाय भी बन गया। तो चलते सबसे पहले चाय पानी करते हैं, फिर उसके बाद कुछ खा पी लेते हैं गाइस। और दूध वगैरह तो बहुत ज़रूरी होता है रमज़ान में, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं लेकिन हम लोग तो खाते हैं, हम भी खाते हैं दूध, तो मैं ज़रूर खाती हूँ कुछ खाऊँ या ना खाऊँ। तो खा पी लेते हैं गाइस, फिर सुबह मिलते हैं आप सभी से। गुड मॉर्निंग गाइज, तो कैसे आप सभी, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो गाइज अभी चलते हैं शादिया के पास और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है पूरी तरह से। देखते हैं अभी शो के उठाओ गाइज, अभी तो सिर्फ मुंह पे पानी डाला हूँ और बाकी अभी चलते हैं शादिया से, मिलते हैं शादिया से, आप लोगों को मिलाते हैं, देखते हैं शादिया क्या कर रही है, जगी है या सोई हुई है अभी। तो रोजे में गाइज कुछ काम हम तो रहता नहीं है, नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो, सहरी करो, सो जाओ। तो अभी शो के उठे, अभी टाइम हो रहे 8:30, चलते हैं शादिया के पास, मिल जाते हैं आप लोगों को शादिया से। घर में एंट्री लेते ही एजल हमारी इधर, एजल बेबी आ जाओ, गोदी आ जाओ, पापा के पास नहीं आओगी, सो के उठी हो क्या? हाँ। शादिया भी अभी सो के उठी है, देख सकते चेहरा इसका, अभी नींद लग रहा है, नींद लग रहा है। अच्छा आटा लगा दिया आपके चेहरे पे, तो देख सकते हैं बहुत परेशान करती है बच्ची। बेबी इधर हेलो बोल दो गाइस, बोल दो। आप कब उठे? मैं तो 4 बजे का ही उठा हूँ। फिर नहीं सोए? मार आटा लगा रही है आपके मुंह पे, जाने तो लगानी है बच्ची हमारी है ना। एक पपी दो बेटा। तो गाइज हम लोग थोड़ा बहुत पापड़ बना चुके थे लेकिन हम लोग सोचे कि रमज़ान के लिए थोड़ा और पापड़ बना लें, क्योंकि पूरे 1 महीने का रमज़ान रहता है और चावल का पापड़ हमारे घर में सभी लोग बहुत मन से खाते हैं। तो ये भी हम लोग पका लिए हैं, ये अम्मी बनाई है, हम लोग नहीं बनाए, और मैं और भाभी अभी ऊपर आके डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन धूप बहुत तेज़ लग रही है तो सोच रहे थोड़ा सा छाँव में बैठ के डालें क्योंकि प्यास लग जाएगी ना, रमज़ान का दिन है। तो अभी इधर थोड़ा बहुत डाल लिए हम लोग और अभी इधर डालना भी है बहुत सारा, तो चलते हैं फटाफट डाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। अभी गाइस इधर लेटने का समय हो गया। अच्छा नहीं नहीं अच्छा ये मुझे पानी पिलाना चाह रही है। अच्छा आ कर आ कर आ, रोजा टूट जी बेटा। हाँ हाँ हो गया ना, तो देख सकते हैं गाइस बेटियाँ कितना अच्छी होती है, कितना ख्याल रखती है पापा का। ये देखिए मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ तो बोले पापा आकर मैं पानी पिला देता हूँ, तो भूल आई। अभी सोने का टाइम हो गया, अभी दोपहर का समय, सो लेते गाइस फिर उसके बाद मिलते हैं जोहर के समय। तो गाइस अभी 3 बज चुके हैं और अब स्टार्ट होने जा रही है इफ्तार बनाने की तैयारी, और प्यास लग गया आज तो शरबत बनाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं पहले इफ्तार बनाने की तैयारी करते हैं, फिर आज शरबत भी बनाएंगे। हेलो गाइस अभी मैं इतना सारा दो जमीन अभी साफ किया हूँ। झाड़ू लगा रहे हो? अरे वाह, जाओ जाओ झाड़ू लगाओ फटाफट, उधर बस लेडी बाकी है बस। हाँ जाओ साफ करो, मेरी आपकी ये बांध देगी ना तो झाड़ू बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, सभी का हेल्प करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। इफ्तार के साथ साथ हम लोग खाने की भी तैयारी करते हैं और आज खाने में बनेगा आलू अंडे की सब्जी, और आलू अंडे की सब्जी के लिए मसाला निकाल के रख लिया गया है और ये चटनी निकाला गया है, और ये देख सकते हो आप सभी ये है बैंगन, और इधर आलू अंडा बॉयल किया जा रहा है, नहीं सॉरी अंडा बॉयल किया जा रहा है, आलू तो बॉयल हो चुका है। तो गाइज़ आज बनेगा चटनी वाला आलू चाप, तो आलू चाप वाला आलू बॉयल हो चुका है, मसल के रख दिया गया है, और इसकी बनेगी घुगनी, हरी मटर की घुगनी, और आलू चाप के लिए ही चटनी निकाल कर रखा गया था। और आज दाल में बनेगा उड़द दाल की पकौड़े, मतलब 12 बनेगा ये कच्चा चना। कच्चा चना तो हम लोग डेली खाते हैं रमज़ान में, प्याज मिर्चा काट करके, और फ्रूट्स भी अम्मी काट रही हैं, तो फ्रूट्स बस यही पपीता काटना रहता है। समझ में नहीं आता है कि हर दिन इंसान इफ्तार में क्या बनाए, तो दाल के पकौड़े भी बनते हैं डेली, लेकिन दाल के पकौड़े में भी चेंज कर देना चाहिए, कभी कुछ और कभी कुछ और बनाना चाहिए। तो दाल का पकौड़ा भी आज बनेगा, लेकिन आज हम लोग बेसन में ये आलू चाप बनाएंगे। आप लोग देख सकते हो अभी मैंने आलू चाप का मसाला बना लिया है, और आलू चाप हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक आलू चाप बनाते हैं हम लोग प्याज मिर्ची काट के जो मसाला बनता है, और ये वाला हम लोग चटनी वाला बनाते हैं,
ये भी चटनी में खूब फ्राई हो जाता है ना, इसका मसाला तो बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम लोग चटनी वाला आलू चाप बनाएंगे और पकौड़े तो बनेंगे ही दो तीन तरह के। चलते हैं देखते हैं, इसको पहले रेडी कर लेते हैं, फिर बेसन भी घोल लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आप सभी से और दिखाते हैं कि आज इफ्तार में क्या क्या बनेगा। बेसन भी घुला गया है और आलू अंडे की सब्जी भी तैयार हो गई। हम लोग सब्जी थोड़ा पहले ही बना लेते हैं, जो भी रात के खाने में होता है तो वो थोड़ा पहले ही बन जाता है। और अभी आलू चाप का टिक्की भी तैयार हो गया है और बाकी सब जो बैंगन का भी पकौड़ा बनना है, गोभी का, सब तैयार है। तो अब बस बनाना स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। अभी चीनी भिगो दिया है मैंने और चीनी थोड़ा बहुत फूल भी गया है। और अभी ये नींबू मैं जो तोड़ के रखी थी तो थोड़ा बहुत मतलब ख़राब लग रहा है, जैसे कोई कोई गल गया है, बाकी सब सही है। तो चलते हैं नींबू भी फटाफट घोल लेते हैं चीनी में। तेल अभी रख दिया है गर्म होने के लिए और बाकी सब कुछ रेडी है और टाइम भी सिर्फ अब एक घंटा रह गया है। तो इधर मैंने पापड़ भी निकाल दिया है, सिर्फ दाल अभी नहीं पिसा हुआ है, बाकी सब रेडी है। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट सब कुछ रेडी कर लेते हैं, वैसे रेडी हो ही गए। तो सबसे पहले पापड़ तलेंगे, फिर उसके बाद पकौड़े देखते हैं। मैं नहीं तलूँगी पकौड़े, भाभी आप ही तलेंगी। तो मैं अभी जा रही हूँ पापड़ तलने। पापड़ तल लिया मैंने और अब आलू चाप की बारी है। तो आलू चाप तलेंगे, फिर उसके बाद अभी पकौड़े भी तलने हैं दो तीन चीज़ के। तो सबसे पहले आलू चाप तल लेते हैं। वैसे एक तवा मैंने तल लिया है, ये दूसरा तवा मैं डाल रही हूँ। शरबत भी अच्छी तरह से बनाया नहीं है, सिर्फ चीनी घोल के रखा हुआ है, तो उसको भी अभी फाइनल करना है। और इधर मैं बस थोड़ा सा तल के जा रही हूँ बाहर, बाकी इधर भाभी संभालेंगी। और अभी ये हो चुका है, सिर्फ ये तलूंगी मैं और ये सब मैंने बंद कर दिया। तो चलते हैं फटाफट यहाँ से कर लेते हैं, फिर उसके बाद शरबत बनाते हैं, फिर मिलते हैं। सब कुछ रेडी हो चुका है और अभी अज़ान का भी टाइम हो चुका है, सिर्फ 15-20 मिनट टाइम है। तो मैंने इधर दस्तखान पे सब कुछ लगा दिया है। और रमज़ान में डेली यही नहीं समझ में आता है कि क्या बनाएं। और आज तो गोभी के पकौड़े भी बने हैं, वैसे ही चेंज कर करके बनाना चाहिए। एक चीज़ खाने से थोड़ा सा मन उब जाता है और रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाने का भी मन नहीं करता है। तो हम लोग डेली बदल लेते हैं, दो तीन चीज़ डेली बदलते हैं, अलग अलग तरह के बनाते हैं। और सभी लोग अक्सर ऐसे ही बनाते रहते हैं, तो ऐसे ही बनाना चाहिए ताकि मन भी ना उबे और इंसान तरह तरह की चीज़ें बदल बदल के खाएगा तो रमज़ान में अच्छा भी लगेगा। और रोज़े रख के अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का भी मन करता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि सभी के दस्तखान पे ऐसे ही सब कुछ लगा रहे और सबको अच्छी अच्छी चीज़ नसीब हो। टाइम हो चुका है इफ्तार का, तो चलते हैं इफ्तार कर लेते हैं और आप सभी से मिलते हैं इफ्तार के बाद। बना दो रोटी, बना दो, इतना अच्छा एजल रोटी बना रही है भाई। अरे वाह एजल, एजल बहुत अच्छा रोटी बनाई हो बेटा, गोल रोटी बना दी हो। अरे हाँ मेरी बेटी तो एकदम गोल रोटी बनाई, बनाओ। रीबा भी गोल रोटी बना रही है, एजल भी गोल रोटी बना रही है ना एजल। हाँ बनाओ। बाबू जी ब्रेड बना रहा है। अच्छा इसको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता इसीलिए ये बोल लेते हैं। अच्छा चलो बना। क्या हो बाबू? मैं तो ब्रेड बना रहा हूँ, लड़का ब्रेड बनाते हैं। अच्छा लड़का ब्रेड बनाते हैं, अच्छा तुम ब्रेड बना रहे हो। रीबा तुम रीबा भी रोटी बना रही है ना। रीबा बनाओ बनाओ, एजल दो रोटी बना दी क्या? तो गाइस मैं अभी मोमोज बना रहा हूँ। मोमोज बना रहे हो, देखते हैं। अपना अपना दिखाओ कौन कौन क्या क्या बनाया है एजल। अरे सबसे अच्छा एजल की रोटी है, सबसे अच्छा। तुम क्या बनाई माइन? अरे अन्नू की दो रोटी। हाँ देख ली है माइन की बारी। तुम मोमोज बनाई हो। तुम रीबा? ये देखा कुछ नहीं। अच्छा अन्नू दो रोटी बनाई है। बाबू तू देखिए मेरा मोमोज सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर, सभी से बहुत अच्छा। एजल सबसे छोटी है, सबसे अच्छा बना रही। गोल कर दे, दो गोल कर दे। पहले चाय पी लीजिए। क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थोड़ा कुछ काम कर लेते फिर उसके बाद चाय पी लेते। नहीं चाय ठंडा हो जाएगा, काफी देर हो गया। ये मार्कशीट वगैरह सब क्यों निकाले? तुम्हारा अपडेट कराने के लिए कुछ काम था ना, तुम्हारे नाम में दिक्कत है तो इसलिए उसको अपडेट कराने के लिए काम कर रहा हूँ कुछ। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाय पी लीजिए, आपको जाना भी है ना। ठीक ओके, चाय पिए पहले। देखो जाएंगे एजल, तुमको मेट्रो अच्छा लग रहा था कि बस अच्छा लग रहा था? बस कैसे हिल रहा था? बस दिल्ली की बस कैसे हिल रही थी?
ऐसे से कर रही थी बस, बस ऐसे हिल रहा था, ऐसे ब्रेक ले रहा था बस, मैं नहीं बैठी। अब मेट्रो कैसे चल रहा था, मेट्रो मेट्रो कैसे चल रहा था, ऐसे कैसे ऐसे मेट्रो सुई ना। अब बस कैसे चल रहा था, बस बस गए, बस पे नहीं जाओगी, बस कैसे हिला रहा था बेटा, देख सकते हैं गाइस ये बस पे जाने के लिए नहीं तैयार है, ऐसे ही हिला रहा था बस, बस ऐसे ही। अच्छा दिल्ली जाओगी तो कहाँ कहाँ बैठोगी, किस किस गाड़ी पे बैठोगी बता दो। टेम्पो में। हाँ इधर कैमरे में देखे, कैमरे में देखे। टेम्पो में और टेम्पो में और कहाँ, ऑटो में, फोटो में, फोटो में, टोटो के ये फोटो बोलती है। और घूमने जाए, घूमने जाए, घूमने जाने की बहुत शौकीन है, ऑटो को फोटो बोल रही है, उसको बोलने नहीं आ रहा। घूमने जाए। और मैं तो मेट्रो में जाऊंगी, ट्रेन में जाऊंगी, तुम कहाँ जाओगी। हमने भी इफ्तार कर लिया और यहाँ पे आ गए हम। और गाइस इससे पहले आप लोगों ने देखा ना कैजल कैसे बोल रही थी कि मैं दिल्ली जाऊंगी तो मेट्रो में बैठूंगी, और मेट्रो ऐसे सुई से चलता है और बस बस में ऐसे से बस हिलता है ना जब ब्रेक लेती दिल्ली की बस। बस का बहुत अच्छा नकल उतारी है, पता नहीं कैसे आप लोग देखे अभी, और हम लोग काफी देर से हंस रहे, कह रही मैं बस में नहीं बैठूंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी तो ऑटो को पोटो बोल रही है, उसमें बैठूंगी, टोटो को पोटो बोल रही है, टोटो को पोटो, ई रिक्शा होता है ना उसे पोटो बोली। तो ये बस में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एजल एजल बस में नहीं बैठोगी, हम मेट्रो बैठो, हम टेम्पो में बैठो, इसको टेम्पो मेट्रो पसंद। और गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तो अभी तरावी पढ़ने का वक्त है, अभी चलते तरावी पढ़ते, नमाज पढ़ते, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें गाइस, जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक करें, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।